मैं आपसे एक सवाल पूछ के मीटिंग में आऊंगा। आप में से कितने लोग जब सुबह में उठते हैं तो अपने बच्चों को आशीष देते हैं, अपनी वाइफ को आशीष देते हैं, अपने परिवार को ब्लेसिंग देते हैं? टेल मी। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आपको पता है मरने से पहले बाइबल कहती है इसहाक ने याकूब को आशीष दी, और कितने लोग के बाद जानते हैं मरने से पहले याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया और एक एक के ऊपर हाथ रख के आशीष दी। आपको पता है यीशु ने ऐसा क्यों कहा, श्राप मत दो? मतलब उसे पता है गलत वर्ड्स भी काम करते हैं। अगर गलत वर्ड्स काम करते हैं तो सही वर्ड्स काम क्यों नहीं करेंगे? मैं हमेशा से एक मसीह जिंदगी की एक पिक्चर इस तरह रखता हूं कि लेफ्ट साइड एक दुष्ट आत्मा खड़ी है और राइट साइड पवित्र आत्मा खड़ा है। जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हो ना, उस वर्ड को दुष्ट आत्मा लेता है और काम करता है, लेकिन जब आप वचन बोलते हो ना, इसको पवित्र आत्मा लेता है और अपने आपके घर में काम करता है। एक सवाल मैं पुराने लोगों से पूछ के मैं वर्ड में आऊंगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब खुदा इस पृथ्वी को बना रहा था तो उस समय वो कहां था और पवित्र आत्मा कहां था? आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, एम्प्टी, डार्क, फॉर्मलेस, डिसोलेट, ये 4 वर्ड्स लिखे हैं कि दुनिया की हालत थी। और लिखा है तब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो, और लिखा है वो ज्योति आई। आप जानते हो, आप इस पैसेज को आराम से पढ़ो, आप पढ़ोगे पवित्र आत्मा पृथ्वी पे मंडरा रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कुछ वेट कर रहा था कि परमेश्वर कुछ कहे। और जैसे परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, उसने वो वर्ड लिया, काम करना स्टार्ट किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, पवित्र आत्मा आपके लिए क्या वेट कर रहा है? सेम थिंग, कुछ आप कहें। मैं आपको कहता हूं, दिनू डेट क्या है आज? 5th, आज 5 मार्च है। आज से हैबिट डालो, जब आप मॉर्निंग में उठो ना, जरूर उनको गुड मॉर्निंग बोलो, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड कहो उनको, कुछ बोलो, अपने परिवार को ब्लेसिंग दो। जब आप देखते हो कि आपका बच्चा बीमार है, उसको कुछ तकलीफ है, जब वो उठता है ना, आप जानते हैं, I'm not judging, मैं किसका न्याय नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं आज बहुत सारे प्रीचर्स सिर्फ चर्च को नॉलेज दे रहे हैं, पर आपको पता है तिमुथियुस की मां ने तिमुथियुस को नॉलेज नहीं दिया था, उसको फेथ दिया था। कितने लोग ये बात जानते हैं? पौलुस कहता है तिमुथियुस के लिए, वह विश्वास जो तेरी नानी में था वो तेरी मां में है और वो तुझ में भी है। मैं सोच रहा था कि एक बहन या एक भाई अपने बच्चों में फेथ कैसे डाल सकते। मैं सच कहता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने अपने माता पिता को या अपनी बहनों को कभी भी नॉलेज देने की कोशिश नहीं की है, फेथ देने की कोशिश की है। आप बताइए, समझो आपका बच्चा मॉर्निंग में उठता है, और जैसे वो उठता है और वो कुछ कंप्लेन कर रहा है, पापा मेरे को पेन हो रहा है, कम आप उसको बोलते हो ये ले मेडिसिन, बेस्ट सेकेंड ऑप्शन है ये, पर क्या आप उसको ऐसा बोलते हो, आजा 5 मिनट खाली वेट कर, पिता मैं विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोगों को लगता है एक पास्टर या कोई पवित्र आदमी प्रार्थना करेगा तो ये चंगा होगा, प्लीज इससे तो बाहर ही आ जाइए। क्या आप उनके लिए, जब आप उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना करते हो ना, प्रभु इब्राहिम की वाचा बंधी हुई है हमारे परिवार से, तूने कहा है जिसे मैं आशीष दूंगा उन्हें आप आशीष देंगे, मैं यीशु के नाम से अपने बच्चे को आशीष करती हूं, आज इसके दर्द का आखिरी दिन है, और आप उसको बोलते हो वेट तो ठीक हो जाएगा। आप जानते हो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? फेथ, आप विश्वास दे रहे हो उन्हें। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूं, मेक दिस हैबिट, अपने अंदर ये बात रखिए, जब भी आप किससे फोन पे बात करते हो, किसी नजदीकी से, उनको ब्लेसिंग दो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर कितने लोगों ने पहला पत्रस 3:10 पढ़ा है, आप खोलिए मत, मैं आपको कोई और वर्ड खुलवाना चाहता हूं, वहां पर अच्छे दिन कैसे आएंगे लिखा हुआ है, you know, अच्छे दिन। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं अपनी जिंदगी में अच्छे दिन। लिखा है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो 40 दिन का उपवास करे।
है किसके पास ऐसा बाइबल, जरा दिखाना दो मुझे भी। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो 5 घंटे प्रेयर में बैठे, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है भारी ऑफरिंग चर्च में डाले। जानते हैं वहां क्या लिखा है? प्रिंसिपल लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो सिर्फ एक काम करे, अपने जुबान को बुरी बातें कहने से रोका रहे। That's all। संत पत्रस 2017 साल पहले ये बात लिखते हैं। वो कहते हैं अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, वो कहता है सिर्फ एक काम करो, जो तुम बोलना चाहते हो वो मत बोलो, जो तुम्हें बोलना चाहिए तुम वो बोलो। हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हम जो यहां पर भरा हुआ है हम वो बोलना चाहते हैं, लेकिन पतरस कहता है तुम वो मत बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, तुम वो बोलो जो तुम्हें बोलना चाहिए। आप कई बार आप बोलने के बाद है ना, आप 10 मिनट शांत रहोगे ना, आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा ये करेक्ट वर्ड्स नहीं थे, ये ठीक शब्द नहीं थे बोलने के, कुछ और उसे उत्तम बोला जा सकता था। मैंने कई बार ऐसे देखा है जब मैं किसी से बात करने के बाद अकेली प्लेस पे आता हूं ना, जब मेरे पास कोई नहीं रहता है, मुझे पवित्र आत्मा कहता है इस तरह बात करना जरूरी नहीं था, क्यों बोलता रहता है तू, काय को पकड़ पकड़ के कुछ भी बोलता रहता है, चुप रहे। सच कहता हूं, आप मुझे बताइए आप में से कोई ऐसा है जो ईमानदारी से आज कह रहा है ब्रदर कि कई बार ऐसा होता है मैं कुछ बोल देता हूं उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। एक्चुअली जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है एलियाजर के लिए रिबिका ने कहा कि जो तेरे ऊंट है ना मैं उन्हें पानी पिलाऊंगी। क्या रिबिका जानती थी इन्हीं ऊंटों पर बैठ के मैं हरान जाऊंगी? वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उस पे बैठ के ही वहां पर गई। कई बार आपको पता है खुदा आपको आशीष में कुछ लोग देता है जो आपको समय समय पे उत्साहित करते हैं, समय समय पे आपकी मदद करते हैं, और आपको पता है जब आप उनके साथ बुरा करते हो, आप उनके साथ बुरी तरह बात करते हो, एक्चुअली खुदा ने आपको एक आशीष दी, एक इंसान दिया, और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। सच कहता इसलिए मेरी विनती है आपसे, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के लिए पॉजिटिव कहिए। अगर रिसेंटली मैं एक ब्रदर से मिला और उसे कम से कम 440 लोगों की निंदा की मेरे सामने, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। मैंने कहा ब्रदर आप चाहते क्या हो? आप अपने आप को खाली कर रहे हो सिर्फ कि आप चाहते हो वो लोग आशीष, वो लोग सुधरे ठीक हो। बोला चाहता तो मैं ही हूं, दिस इज नॉट वे। फिर प्रेयर करो उनके लिए, कन्फेस करो। आज से 19वीं सदी में एक आंटी रहते थे, उसका बच्चा 17 साल की उम्र में स्मोकिंग करता था, ड्रिंक करता था, ड्रग्स लेता था, और जब वो अपने बेटे को समझाती थी बेटा तू क्या कर रहा है मत कर, वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर इस बहन ने जड़ निकाल दी कि एक्चुअली मेरा बेटा ऐसा क्यों है। अब जानते हो उसने क्या किया? उस बहन को यह पता चला कि वो ऐसे 8 लोगों के साथ घूमता रहता है सारा दिन जो इन्हीं बातों में रहते हैं, और उस बहन ने जानते हैं क्या किया? घर पे बैठी और कहा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं ये जो ग्रुप है ना छोटा सा जहां पर ये सब हो रहा है उस पे फूट पड़ जाए, ये सब अलग अलग हो जाए। 15 दिन के बाद उन लोगों में फूट पड़ गई, वो ग्रुप ही अलग अलग हो गया। शब्दों में इतनी ताकत है। इसीलिए जब भी आप यहां आते हो मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो आपके बगल में बैठे उन्हें ब्लेसिंग दो, क्योंकि घर में तो उनको कोई देता नहीं है बेचारों, कम से कम यहां तो ले जाए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? घर पे सब क्रिटिसाइज करते रहते हैं ब्रदर, सब मेरी गलतियां निकालते हैं, ये लेट क्यों लेकर आया, ये काम क्यों नहीं किया अभी तक, ये क्यों नहीं आया, इसको मैंने 3 बजे कॉल किया था अभी तक नहीं पहुंचा है। घर पे सिर्फ क्रिटिसिज्म चलता है, लेकिन कम से कम हमें चर्च में तो ब्लेसिंग मिले। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझे?